अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत इस्तकबाल है खैर मकदम में आप तमाम नाज़रीन का, तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का, तमाम भाइयों और बहनों का। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। वीडियो का मौजू ये है कि ईद कब होगी और ईद का चाँद कब नज़र आएगा। क्या ईद का चाँद रुयत हिलाल के मुताबिक आज नज़र आएगा या कल नज़र आएगा या परसों नज़र आएगा, तो इस पर बहस होगी, इस पर गुफ्तगू होगी। सारा डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अदना सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे मोमिन भाई को शेयर करना ना भूलें। तो आइए हजरात, मैं अपने वीडियो का आगाज़ करता हूँ। वो ये है कि मौसम फलकियात यानी जो मौसम विभाग है सऊदी अरब के या फिर पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। वो ये है कि सऊदी के मौसम फलकियात ने कहा है कि अब की बार 29 रोज़े होंगे, यानी उनके यहाँ 29 रोज़ा होगा सऊदी में, और जो है 15 जून को ईद होगी, 15 जून को ईद होगी। लेकिन वहीं पाकिस्तान में इख्तलाफ है। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने सऊदी अरब के रुयत हिलाल के मुताबिक रोज़ा रखा और फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 30 रोज़ा होगा और इस हिसाब से उनके यहाँ 16 को ईद होगी, और भारत में हिंदुस्तान में दो फिरकों में हिलाल कमेटी बढ़ गई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ईद का चाँद जुमरात को नज़र आएगा और जुमे को ईद होगी यानी 15 को ईद होगी, और कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, चाँद जो है वो जुमा को नज़र आएगा और 16 जून को ईद होगी। तो देखिए हजरात क्या होता क्या नहीं होता, मैंने सारे लोगों की बात आपके सामने पेश कर दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम।